नमस्कार दर्शकों, जो उत्पाद आप देख रहे हैं वह हमारे RMG वायरलेस वाटर टैंक लेवल इंडिकेटर है। क्योंकि यह उत्पाद रेडियो फ्रीक्वेंसी पद्धति पर आधारित है, इसलिए इसे चालू कराने के लिए केबल बिछाने के काम की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इतनी लंबी दूरी तय कर लेता है और यदि यह एक ऊंची बिल्डिंग है तो यह 10 से 12 मंजिल तक फैल सकता है। क्योंकि यह उत्पाद बैटरी संचालित है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि टैंक के पास बिजली की जरूरत हो। आपको बस 2 AA बैटरी का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस पैकेज में आपको 6 टैंक लेवल सेंसर, 1 ट्रांसमीटर, 1 इंडिकेटर और 1 पावर अडैप्टर मिलेगा। आइए अब संकेतक के बारे में देखें। इसमें पावर ऑन और लो बैटरी इंडिकेशन, 5 लेवल इंडिकेशन और पेयरिंग के लिए येलो स्विच है। डिवाइस के ऊपर एक एंटीना होता है और इसके बगल में पावर अडैप्टर डालने के लिए एक सॉकेट होता है और दीवार पर लगाने के लिए किनारों पर माउंटिंग होल्स हैं। सबसे पहले पावर सॉकेट पिन को सॉकेट में डालें। डिवाइस को स्विच ऑन करें और हम देख सकते हैं कि सभी LED एक बार चमकते हैं और एक बार बिजली बंद हो जाती है। पर अब हम देख सकते हैं कि अकेले पावर LED उसके बाद लगातार चमक रहेगा। ये पीला स्विच पेयरिंग स्विच है। इस स्विच का मुख्य उद्देश्य है कि ट्रांसमीटर को जोड़ना और संकेतक देना। इसका अर्थ है कि संकेतक एक यूनिक एड्रेस जनरेट करता है और इस पते को प्राप्त करके संग्रहित करता है। इस तरह संकेतक केवल संबंधित ट्रांसमीटर से डेटा का जवाब लेता है। इसके लिए पीला स्विच पर लॉन्ग प्रेस दें और उसके साथ पावर ऑन प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि सभी LED चमक रहे हैं। इसका मतलब है कि पेयरिंग के लिए संकेतक तैयार है। अब हम ट्रांसमीटर के बारे में एक नजर डालते हैं। आप ट्रांसमीटर के नीचे सेंसर तारों को देख सकते हैं। आपको 6 सेंसर तार पैकेज में दिए जा रहे हैं। उसको सेंसर से जोड़ना होगा पूरी तरह से। ट्रांसमीटर में कलर कोड देखकर सेंसर को उस हिसाब से टैंक में लगाना होता है। ट्रांसमीटर के पीछे 2 स्क्रू हैं। इसे हटाएं और आप एक बैटरी होल्डर को अंदर देख पाएंगे। 2 AA बैटरी लें और टर्मिनल्स को देखकर एक बैटरी डालें। इसके बाद आप ट्रांसमीटर के सामने एक पीला स्विच देख सकते हैं, जैसे इंडिकेटर में था। अब उसे लॉन्ग प्रेस करें और दूसरी बैटरी को साइमल्टेनियसली डालें। तभी आप एक LED ट्रांसमीटर में ऑन ऑफ होते देख सकते हैं। उसी समय इंडिकेटर की LED बंद हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वह पेयर हो गए हैं। अब ट्रांसमीटर टैंक का डेटा भेजता है और संकेतक इसका संकेत देता है। यह पेयरिंग की प्रक्रिया केवल एक बार की जाती है और इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से हम डिवाइस को पेयर करके ही भेजेंगे। इस मामले में यदि आपको आवश्यकता है, वीडियो में दिखाए जैसे पेयर कीजिए। अब देखते हैं यह कैसे काम करता है। अब आप ये मानिए कि पानी टैंक में भर रहा है और आपको यह दिखाने के लिए हम सारी तारें जोड़ेंगे। काली वायर एक कॉमन वायर है। ब्राउन वायर एक 20% वाली वायर है। जब पानी का लेवल 20% तक पहुंचता है तो ब्राउन वायर सेंसर से जुड़ता है और इंडिकेटर में 20% वाली LED लगती है। वैसे ही मानते मानते जब पानी 40% तक पहुंचता है तब लाल वायर सेंसर से जुड़ जाती है। जुड़कर इंडिकेटर में 40% वाली LED लगती है। वैसे ही 60% वाली नारंगी वायर सेंसर से जुड़कर इंडिकेटर में 7% वाली LED लग जाती है। ऐसे ही चलते चलते जब पानी टैंक में भरता है तब वह 80% पहुंचकर येलो वायर सेंसर से जुड़ जाती है और इंडिकेटर में 80% वाली LED लगती है। ऐसे ही मानते मानते जब टैंक पूरा भर जाता है, हरी वायर सेंसर से जुड़ जाती है
और इंडिकेटर में 100% वाली एलईडी लगती है। यह लगने के बाद एक जोर का अलार्म बजता है। आइए अब देखें कि यदि टैंक में पानी कम हो जाए तो फिर क्या होगा। अब हम यह मानेंगे कि पानी की मात्रा कम हो रही है टैंक से। इसके लिए हम एक एक तार निकालेंगे। पहले हरी तार निकालकर हमें यह पता चलेगा कि 100% पानी नहीं रहा और पानी कम होते जा रहा है। तब इंडिकेटर की 100% वाली एलईडी बंद होगी। वैसे ही पीली वायर निकालकर 80% वाली एलईडी इंडिकेटर से बंद हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पानी कम होते जा रहा है। अब जब और पानी कम हो रहा है तब ऑरेंज वाली वायर को निकालकर उसकी एलईडी इंडिकेटर से बंद हो जाएगी। पानी इस्तेमाल करते करते लाल वायर निकालकर 40% वाली एलईडी अब बंद हो जाएगी। उसी तरह जब पानी बिल्कुल कम होते जा रहा होगा तब 20% वाली वायर निकालकर हम यह देखेंगे कि पानी की 20% वाली इंडिकेटर भी बंद हो गया है। जब टैंक खाली होता है तो आप एक धीमी गति से बीप सुन सकते हैं। तो आप इस वीडियो में दो तरह की बीप सुन सकते हैं, एक फास्ट बीप और एक स्लो बीप। फास्ट बीप तब बजती है जब टैंक फुल होता है और स्लो बीप तब जब टैंक खाली हो रहा होता है। इससे पता चलता है कि टैंक खाली है या भरा हुआ है। यह हमारे प्रोडक्ट की विशेषताएं हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह उत्पाद पसंद आए। यदि आपके पास इस उत्पाद के बारे में कोई संदेह या स्पष्टीकरण है हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।